भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच हुआ ड्रॉ। मैच के पांचवें दिन ऑस्ट्रेलिया इंडिया के खिलाड़ियों ने मिलाया हाथ। टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज को किया अपने नाम। भारतीय टीम ने नागपुर दिल्ली के बाद इंदौर टेस्ट गंवाया था, तो वहीं अहमदाबाद टेस्ट ड्रॉ हुआ। WTC के फाइनल में पहुंची भारतीय टीम। 7 जून को ओवल के मैदान पर होगी भारत ऑस्ट्रेलिया में जंग। 20 साल बाद ICC के फाइनल में आमने सामने होंगी दोनों टीमें। टीम इंडिया ने लगातार दूसरी बार WTC के फाइनल में बनाई जगह। साल 2021 में भारतीय टीम WTC के फाइनल में न्यूजीलैंड से हार गई थी। BGT सीरीज में आर अश्विन और रविंद्र जडेजा ने जीता प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब। साथ ही विराट कोहली को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। विराट ने अहमदाबाद टेस्ट के दौरान शानदार शतकीय पारी खेली थी। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली ने 10वीं बार मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता है। अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2-1 से हराने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने जीत का श्रेय पूरी टीम को दिया। रोहित ने बताया कि हमने पूरी सीरीज के दौरान अच्छा खेल दिखाया और मैं टीम के प्रदर्शन से बेहद खुश हूं। अहमदाबाद टेस्ट ड्रॉ होने के बाद भारतीय कोच राहुल द्रविड़ ने दिया बयान। द्रविड़ ने बताया कि यह कड़ा मुकाबला था और इस सीरीज में कई बार हमें दबाव के दौर से गुजरना पड़ा। द्रविड़ ने आगे बताया कि ऑस्ट्रेलिया नंबर एक टीम है और उनके साथ घर पर भी हमेशा एक चुनौती ही रहती है। शुभमन के लिए पिछले 4-5 महीने काफी जबरदस्त रहे हैं। साथ ही WTC के फाइनल में पहुंचना टीम के लिए काफी अच्छी बात है। हम पहले WTC में पहुंचने का जश्न मनाएंगे और फिर बाद में बैठकर इसकी प्लानिंग करेंगे। आपको बता दें कि WTC का फाइनल IPL फाइनल के 7 दिन बाद ही है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज 17 मार्च से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शुरू होगी। सीरीज का दूसरा वनडे 19 मार्च को विशाखापट्टनम और आखिरी मैच चेन्नई में खेला जाएगा। वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में हार्दिक पांड्या करेंगे कप्तानी, जबकि रोहित शर्मा दूसरे वनडे से संभालेंगे कप्तानी का जिम्मा। इंग्लैंड के युवा क्रिकेटर हैरी ब्रुक ने दूसरी बार ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। ब्रुक ने न्यूजीलैंड में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की थी, जिसकी वजह से उन्हें यह अवार्ड मिला। 24 साल के हैरी ने फरवरी मंथ के इस अवार्ड में भारत के रविंद्र जडेजा को पछाड़ते हुए यह खिताब जीता है। हैरी को पहली बार इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। शिव सुंदर दास की देखरेख वाली BCCI सिलेक्शन कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग होगी। इस मीटिंग में श्रेयस अय्यर के रिप्लेसमेंट का नाम चुनना है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। अय्यर ने पीठ के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत की थी और अहमदाबाद टेस्ट में तीसरे दिन के खेल के बाद उन्हें स्कैन के लिए ले जाया गया। स्कैन की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी पीठ की चोट को देखते हुए BCCI कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और संजू सैमसन को 3 मैचों की सीरीज के लिए कॉल अप कर सकती है। शुरू में उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया था। भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुकी है। श्रीलंका को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में मिली हार के बाद भारत का WTC फाइनल में जाने का रास्ता साफ हो गया। वहीं इस फाइनल मुकाबले में KL राहुल और शुभमन गिल में से किसी एक को मौका मिलेगा। इसको लेकर पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने बड़ी बात कही है। कार्तिक ने कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में KL राहुल की बजाय शुभमन गिल को मौका मिलना चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने भारतीय टीम के युवा तेज गेंदबाज उमरान मलिक को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उमरान मलिक को टेस्ट मैचों में भी भारत की तरफ से खेलने का मौका मिलना चाहिए। ली के मुताबिक उमरान मलिक के रूप में टीम इंडिया को एक बड़ा सुपरस्टार प्लेयर मिल गया है। क्राइस्टचर्च टेस्ट में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को रोमांचक तरीके से आखिरी गेंद पर 2 विकेट से हरा दिया। आखिरी दिन 285 के टारगेट का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने 70 ओवर में 8 विकेट पर 285 का स्कोर बनाकर एक जबरदस्त जीत दर्ज की। साथ ही 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली। न्यूजीलैंड की जीत के हीरो केन विलियमसन रहे, जिन्होंने दूसरी पारी में नाबाद शतक लगाया। इस हार के साथ श्रीलंका की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने की उम्मीदें खत्म हो गई। बर्मिंघम में 14 से 19 मार्च तक होने वाले ऑल इंग्लैंड ओपन टूर्नामेंट में 2 बार की ओलंपिक मेडल विजेता PV सिंधु समेत भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करेंगे। PV सिंधु के लिए ये साल अब तक कुछ खास नहीं रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद लंबी चोट से उबरकर उन्होंने इस साल की शुरुआत में मलेशिया ओपन और इंडिया ओपन के साथ बैडमिंटन कोर्ट पर वापसी की थी। हालांकि वो दोनों ही प्रतियोगिताओं के पहले राउंड में हार कर बाहर हो गई। किसी भारतीय खिलाड़ी को इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीते हुए 22 साल हो गए हैं। FIH हॉकी प्रो लीग में भारत आज राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में जर्मनी के खिलाफ खेलेगा। भारतीय मेंस हॉकी टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5-4 से रोमांचक जीत दर्ज की। 2 दिन पहले मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को भी 3-2 से मात देने के बाद फिर से जर्मनी का सफाया करने उतरेगी टीम इंडिया।